सुप्रभात मेरे प्यारे बच्चों, मैं आशा करता हूँ आप स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे। आपने मेरे पिछले वीडियो में अलंकार में मुख्य रूप से शब्दालंकार और अर्थालंकार के बारे में पढ़ा, जिसमें आपने अर्थालंकार के 5 भेद के बारे में जाना, जिसमें आपने पहला अलंकार उसमें से जाना था उपमालंकार। तो उपमालंकार क्या होता है उसके बारे में मैं अपनी पिछली वीडियो में आपको बताया हूँ कि उपमालंकार जब अत्यधिक समानता के कारण सर्वथा भिन्न होते हुए भी जहाँ एक वस्तु या प्राणी की तुलना दूसरी किसी प्रसिद्ध वस्तु या प्राणी से की जाती है वहाँ उपमालंकार होता है। तो उपमालंकार में मुख्य रूप से 4 तत्व के बारे में मैंने बताया था, उपमेय, उपमान, साधारण धर्म और वाचक शब्द। आज मैं अपने इस वीडियो में आपको रूपक अलंकार और उत्प्रेक्षा अलंकार के बारे में बताऊंगा। तो चलिए हम लोग रूपक अलंकार की तरफ बढ़ते हैं। रूपक अलंकार क्या है? जब किसी भी कविता में गुण की अत्यंत समानता के कारण उपमेय को ही उपमान बता दिया जाए, जब गुण की अत्यंत समानता के कारण उपमेय को ही उपमान बता दिया जाए, अर्थात उपमेय और उपमान में अभिन्नता दर्शाई जाए, तब वहाँ रूपक अलंकार होता है। इस अलंकार में उपमान और उपमेय में कोई अंतर नहीं दिखाई पड़ता है। उदाहरण के लिए जैसे पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, ये मीराबाई का एक पद है जिसमें मीराबाई कहती हैं कि मैं तो राम रतन धन पायो, मैं राम रूपी रतन धन को पाई हूँ। तो यहाँ पर राम रतन उपमेय है, लेकिन जो धन है वह क्या है? उपमान है। लेकिन यहाँ पर राम रतन को ही क्या मान लिया गया है? धन माना गया है। यानी कि माना नहीं बल्कि उसमें वह अभिन्नता होते हुए भी एक रूप मान लिया गया है, इसलिए यहाँ पर दोनों अभिन्न हैं। और आप देख रहे हैं कि उपमान और उपमेय में अभिन्नता दर्शाई जा रही है और एक रूप मान लिया गया है, इसलिए जहाँ पर भी अभिन्नता दर्शाई जाती है वहाँ पर रूपक अलंकार होता है। इसलिए यह उदाहरण रूपक अलंकार के अंतर्गत आएगा। और भी उदाहरण के माध्यम से हम समझते हैं। मन सागर मन सा लहरी बूढ़े बहे अनेक, कहने का आशय यह है कि यहाँ पर इस उदाहरण में मन सागर, मन रूपी सागर को मन सा लहरी, और मन सा लहर मन रूपी ही लहरें, तो कहने का आशय है मन यहाँ पर उपमेय है और सागर उपमान है, लेकिन मन को ही क्या मान लिया गया है? सागर मान लिया गया है, यहाँ पर उसी के रूप में माना गया है। और जबकि और यहाँ दूसरे में भी मनसा यानी इच्छा और ऊपर उसमें लहर उपमान का आरोप किया गया है, इसलिए यहाँ पर उपमान और उपमेय में अभिन्नता दर्शाई जा रही है। अतः यहाँ भी इस उदाहरण में भी रूपक अलंकार है। कहने का आशय यह है मन को ही क्या माना गया है? मन ही मानो मन, जबकि मन और सागर एक दूसरे से अलग हैं, एक दूसरे से भिन्न भिन्न हैं, लेकिन मन को क्या कर दिया गया है कि मन ही सागर है, यानी मन को सागर के रूप में मान लिया गया है। तो जब ऐसी परिस्थिति उत्पन्न होती है जहां पर उपमेय में ही उपमान का अभेद रूप स्थापित किया जाता है वहाँ पर रूपक अलंकार होता है, अर्थात उपमेय और उपमान को एक कर दिया गया तो वहाँ पर रूपक अलंकार होता है। अब हम आगे बढ़ते हैं दूसरे अलंकार पर, वह है उत्प्रेक्षा अलंकार। तो चलिए उत्प्रेक्षा अलंकार के बारे में जानते हैं। जब समानता होने के कारण उपमेय में उपमान के होने की कल्पना की जाए या संभावना, कहने का से यहाँ कल्पना करना या संभावना करना है, तब वहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। यदि पंक्ति में मन मानव जन जानव जनह या निश्चय इव ज्यों
इत्यादि शब्द आ जाएं, तो यहाँ पर आप बिना कुछ सोचे समझे यह मान लीजिए कि वहाँ पर संभावना की जा रही है, वहाँ पर कल्पना की जा रही है, तो ऐसी परिस्थिति में वहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार होगा। उदाहरण के लिए नेत्र मानो कमल है, यहाँ पर ऊपर दिए गए उदाहरण में नेत्र उपमेय की कमल उपमान होने की कल्पना की जा रही है कि नेत्र ही क्या है, कमल है, नेत्र मानो कमल है। अगर नेत्र ही कमल है तब वहाँ पर रूपक अलंकार हो जाता, अगर मानो ना होता तो वहाँ पर रूपक अलंकार हो जाता, लेकिन यहाँ पर नेत्र मानो कमल है, यानी नेत्र को मानो कमल के रूप में दर्शाया गया है, कल्पना की गई है, इसलिए यहाँ पर इस उदाहरण में उत्प्रेक्षा अलंकार होगा। और भी उदाहरण हम देख लेते हैं, जान पड़ता है नेत्र देख बड़े बड़े हीरों में गोल नीलम है जड़े, जान पड़ता है, जान पड़ता माने प्रतीत होता है, ऐसा कल्पना कर रहा है कभी कि जैसा कि आप ऊपर दिए गए उदाहरण में देख सकते हैं कि यहाँ बड़े बड़े नेत्र उपमेय में नीलम उपमान के होने की कल्पना की जा रही है, यहाँ कभी कह रहा है कि तुम्हारी बड़ी बड़ी आँखें ऐसी लगती हैं जैसे कि हीरों में नीलम जड़े हुए हैं, जैसा कि आपने देखा उपमेय में उपमान के होने की कल्पना की जा रही है। यहाँ पर उपमेय क्या है, नेत्र है, और उपमान नीलम है, तो नेत्र में क्या नीलम की कल्पना की जा रही है, इसलिए यहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार होगा। तो आपने रूपक और उत्प्रेक्षा दोनों अलंकारों को पढ़ा, रूपक और उत्प्रेक्षा में मुख्य रूप से अंतर क्या होता है, हम यह बता कह सकते हैं कि जहाँ गुण की अत्यधिक समानता के कारण उपमेय में ही उपमान का अभेद आरोप कर दिया जाए वहाँ रूपक अलंकार होता है, जबकि जहाँ उत्प्रेक्षा में क्या होता है, यहाँ पर उपमेय में उपमान की संभावना या कल्पना कर ली गई होती है, तो वहाँ पर ऐसी परिस्थिति में उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। तो चलिए आज आपने क्या सीखा, हम कुछ बहुविकल्पीय प्रश्नों पर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर एक, चरण कमल बंदो हरिराई में कौन सा अलंकार होगा, आपके विकल्प हैं क रूपक, ख उत्प्रेक्षा, ग उपमा और घ श्लेष। तो यहाँ पर चरण कमल बंदव हरिराई अर्थात हरि के चरणों में कमल का क्या किया गया है, आरोप किया गया है, यानी उसी एक दूसरे से ये भिन्न है लेकिन क्या किया गया, उसमें आरोप या अभेद अभिन्नता प्रकट की गई है, इसलिए यहाँ पर कौन सा अलंकार होगा, हाँ आपका विकल्प का सही है, यहाँ पर रूपक अलंकार होगा। हम अब अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। दूसरा प्रश्न है आपका, रूपक अलंकार का कौन सा लक्षण सही है, इनमें से रूपक अलंकार का कौन सा लक्षण सही है, आपके विकल्प हैं क उपमेय को उपमान के रूप में दर्शाया जाता है, ख उपमान को उपमेय के बाद दर्शाया जाता है, ग उपमान उपमेय को एक समान दर्शाया जाता है, घ इनमें से कोई नहीं। तो आपने अनुमान लगा लिया होगा, जैसा कि आप जानते हैं जहां गुण की अत्यधिक समानता के कारण उपमेय में ही उपमान का अभेद रूप दर्शाया जाता है, तो यहाँ पर आपका पहला विकल्प उपमेय में उपमान के रूप में दर्शाया जाता है, यही रूपक अलंकार का मुख्य लक्षण हो सकता है। तो हम अब अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। तो कहने का आशय, आप इस आपके दूसरे प्रश्न में आपका पहला विकल्प उपमेय को उपमान के रूप में दर्शाया जाता है, यह विकल्प सही होगा। अब हम अगले तीसरे प्रश्न पर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर तीन, उस काल मारे क्रोध के तन कांपने उसका लगा, मानो हवा के वेग से सोता हुआ सागर जगा। यहाँ पर अर्जुन के क्रोध से कांपते शरीर में सागर के तूफान की संभावना की गई है, यानी अर्जुन जब समर युद्ध में युद्ध के मैदान में पहुँचते हैं तो वहाँ पर उनका शरीर एकदम क्रोध की मारे कांपने लगा, तो कवि कहता है कि मानो हवा के वेग से सोता हुआ सागर जा, मानो ऐसा प्रतीत हो रहा है कि हवा के वेग से, हवा की झंझावातों से जैसे कोई सोता हुआ सागर जग गया। तो यहाँ पर क्या किया गया है, यहाँ पर उपमेय में उपमान की कल्पना की जा रही है, संभावना की जा रही है, इसलिए यहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार होगा। तो आपका विकल्प खा सही है, उत्प्रेक्षा अलंकार होगा। हम अब अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर चार, उत्प्रेक्षा अलंकार का कौन सा लक्षण सही है, आपका विकल्प है क
का उपमेय में उपमान से भिन्नता जानते हुए भी उपमान की संभावना की जाती है। ख, जब उपमेय को उपमान के रूप में दर्शाया जाए। ग, जब किसी समान रूप गुण धर्म को लेकर दो वस्तुओं या व्यक्तियों की तुलना की जाए। घ, जब किसी शब्द की बार बार आवृत्ति हो परंतु उनके अर्थ भिन्न हो। तो आप अनुमान लगा लिए होंगे कि आपका कौन सा लक्षण उत्प्रेक्षा अलंकार के लिए युक्त होगा। तो जी हाँ, आपका विकल्प का सही है, उपमेय में उपमान से भिन्नता जानते हुए भी उपमान की संभावना की जाती है उपमेय में, इसलिए उत्प्रेक्षा अलंकार का यह लक्षण बिल्कुल सही होगा, आपका पहला विकल्प सत्य है। अब हम प्रश्न अभ्यास के प्रश्नों पर बढ़ते हैं। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रश्न नंबर एक, उत्प्रेक्षा अलंकार के दो उदाहरण लिखकर स्पष्टीकरण दीजिए। आपका दूसरा प्रश्न है, रूपक अलंकार के 5 उदाहरण लिखिए एवं किन्हीं 2 का स्पष्टीकरण भी दीजिए। हम आपसे अपनी एक नई वीडियो के साथ पुनः मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।